ये एकीकरण से पूर्व राजस्थान की प्रमुख रियासतें हुआ करती थी, इनमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, मेवाड़ यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली प्रमुख रियासतें थी। इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर कुछ ठिकाने भी हुआ करते थे। इन ठिकानों में हम नाम बात करें तो एक ठिकाना था, नाम था नीमराणा। नीमराणा का ठिकाना वर्तमान में अलवर का हिस्सा है। जयपुर और टोंक की सीमा पर एक ठिकाना हुआ करता था, नाम था लावा ठिकाना। लावा ठिकाने को सन 1948 में प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में मिला दिया गया था। और बांसवाड़ा की सीमा पर एक ठिकाना हुआ करता था, नाम है कुशलगढ़, जिसे बाद में बांसवाड़ा रियासत का हिस्सा बना दिया गया। तो ये हुए ठिकाने। साथ में केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हुआ करता था। इस केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो इसी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एक और टुकड़ा था जो इसी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जिसका नाम था यहाँ पर, इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है माउंट आबू और इसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और माउंट आबू एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे, जबकि कुछ और हिस्से भी थे जो राजस्थान के थे, जिन्हें सरदार पटेल ने एक रणनीति के तहत गुजरात का हिस्सा बना दिया गया। इनके अंदर रियासत थी पालनपुर की रियासत, उदयपुर की सीमा से लगती हुई ईडर रियासत, एक और रियासत थी नाम था विजयनगर रियासत और दांता। एक, दो, तीन और चार, इनको कालांतर में राजस्थान संघ या राजपूताना एजेंसी से हटाकर सरदार पटेल ने गुजरात में मिला दिया। और सरदार पटेल ने प्रयास किया कि सिरोही को भी कुछ समय के लिए इसमें मिला दिया गया। उनका प्रयास था कि सिरोही भी गुजरात का हिस्सा बन जाए। तो राजपूताना संघ के कुछ हिस्से गुजरात में मिला दिए गए थे। उनका नाम है ईडर, विजयनगर, पालनपुर और दांता। ये पहले राजपूताना एजेंसी में थे, जिन्हें कालांतर में गुजरात में मिला दिया गया। सिरोही को भी कुछ समय गुजरात में मिलाया गया। बाकी हिस्से को जोड़कर राजस्थान संघ, ग्रेटर राजस्थान संघ बना। अब एकीकरण की बात आए तो सबसे पहले भारत संघ के विलय प्रस्ताव को स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत, सर्व प्रथम 7 अगस्त 1947 विलय प्रस्ताव स्वीकार। तो क्वेश्चन आ जाए कि भारत संघ में विलय प्रस्ताव को स्वीकार करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी। तो सबसे पहले भारत संघ में विलय को स्वीकार करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी बीकानेर। फिर एक एक करके अन्य रियासतों ने स्वीकार किया। यहाँ भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खां, जो कि भोपाल का नवाब था, वो नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष था, वो चाहता था कि भोपाल को पाकिस्तान में मिला दिया जाए। तो वो भोपाल से पाकिस्तान तक का हिस्सा, भोपाल, बड़ौदा, इंदौर, उदयपुर, जोधपुर के शासकों से चर्चा करता और उन्हें पाकिस्तान में विलय के लिए प्रस्तावित करता है, किंतु यहाँ कोई स्वीकार नहीं करता। धौलपुर के राजराणा ने इसमें सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी। धौलपुर का राजराणा अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था और वह जोधपुर के महाराजा से संधि करके उनको पाकिस्तान में विलय के लिए तैयार करना चाहता। जोधपुर के महाराजा ने उदयपुर के महाराणा को प्रस्ताव लिखा कि हमें क्या करना चाहिए, हम पाकिस्तान में मिले तो अधिक सुविधा मिलेगी, हिंदुस्तान में कम। तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने कहा कि अगर मेरे पूर्वज भी ऐसा ही सोचते तो आज जितना मेरे पास है उससे कई गुना मेरे लिए छोड़कर चले जाते। मेरी पूर्वजों की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है, यानी मैं हिंदुस्तान में रहूँगा। तो जोधपुर के महाराजा ने भी हिंदुस्तान में विलय प्रस्ताव स्वीकार किया। सबसे अंत में आज़ादी से जस्ट एक दिन पहले सबसे अंत में विलय प्रस्ताव को स्वीकार करने वाली रियासत कौन सी थी, तो आप करेंगे धौलपुर। धौलपुर राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने सबसे अंत में विलय प्रस्ताव स्वीकार किया। सबसे अंत में विलय स्वीकार,
तो ध्यान रखना आपको सबसे पहले विलय प्रस्ताव को स्वीकार करने वाली रियासत कौन सी, तो आप करेंगे बीकानेर, और सबसे अंत में विलय प्रस्ताव को स्वीकार करने वाली रियासत कौन सी, तो आप करेंगे धौलपुर। टोटल एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जबकि राजपूताना के 4 क्षेत्र एकीकरण से पूर्व ही किसमें मिला दिए गए, गुजरात में मिला दिए गए, गुजरात एजेंसी में मिलाए गए। 4 क्षेत्र कौन से थे, दांता, पालनपुर, विजयनगर, ईडर। पालनपुर में नवाब होता था और बाकी तीनों जगह महाराजा होते थे। ये राजपूत राज्य थे जिन्हें सरदार पटेल ने एक रणनीति के तहत भाषाई आधार पर गुजरात एजेंसी में मिला दिया, कर राजस्थान का एकीकरण हुआ। अब ये राजस्थान के जो देसी रियासतें थी इनमें आपसी ईर्ष्या और एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना ने एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न की। तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान के देसी रजवाड़ों ने भी संघ निर्माण के प्रयास किए। हम देखेंगे कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान के रजवाड़ों द्वारा किए गए संघ निर्माण के प्रयास कौन कौन से हैं।